जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। बारिश कभी भी आ जाती थी। रानू चुप से थी ना, अपने घोंसले पर बैठी हुई थी। उसको तो चिंता सताई जा रही थी क्योंकि उसने तो कोई पक्का घर बनाया ही नहीं था, और वो पक्का घर बना भी नहीं सकती थी क्योंकि वह पेट से थी। वह ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकती थी। रानू चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी थी। एक दिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और रानू चिड़िया का तो कोई घर ही नहीं था। फिर वह अपने घोंसले से उड़ती है। फिर वह जंगल में सगा उड़ते उड़ते जाती है। वह कहीं ठिकाना ढूंढ रही थी लेकिन उसे कोई घर मिल नहीं रहा था और उसके आसपास भी कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। फिर सामने उसे एक घर दिखाई देता है। वह उस घर के पास जाती है तो देखती है, अरे बाप रे, यहाँ पर तो उल्लू बैठा हुआ है। अच्छा हुआ जो मैंने पहले ही देख लिया और उल्लू सो रहा है, वरना आज तो मेरी जान ही जानी थी और मेरे बच्चे तो मर ही जाते। मुझे चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर उल्लू जाग गया तो मेरी तो खैर नहीं। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया वहाँ से भाग निकलती है। फिर वह जंगल में इधर उधर जा रही थी। फिर वह उसे एक दूसरा घर दिखाई देता है। वह उस घर पर का दरवाजा खटखटाती है। कोई है? कोई है इस घर में? कृपया मेरी मदद करें, मैं पेट से हूँ। मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर में जगह दे दें। चिड़िया की आवाज़ सुनकर घर से कौआ निकल कर आता है और उसके साथ उसकी पत्नी भी निकल आती है। कौवे भैया, मेरी मदद कर दे, मुझे अपने घर में कुछ समय के लिए जगह दे दे, मैं पेट से हूँ और इतनी ज़ोरदार बारिश में मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं है। मेरा एक घोंसला था लेकिन मैं अपने लिए घर नहीं बना सकी क्योंकि मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मुझे अपने घर में कुछ समय के लिए रहने दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कौवा कुछ बोलता उससे पहले कौवे ही बोल देती है, देखो चिड़िया, मैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल से रहती हूँ। मेरा घर खुद ही पानी टपकता है, मैं तुम्हें कैसे अपने घर में जगह दे दूँ? मैं ही बड़ी मुश्किल से यहाँ रह पा रही हूँ। हम दोनों बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं सबको जगह दे दूँ, लेकिन मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। यहीं पर थोड़ी दूर एक घर है, वो पुराना है, वहाँ पर कोई नहीं रहता, तुम जा सकती हो। बोरी, लेकिन वो घर तो जी आप चुप रहे, मैं बता रही हूँ ना, किसी की मदद करना बड़ी बात नहीं है। मैं कह रही हूँ ना छोटी चिड़िया, तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ घर खाली पड़ा है। कौवी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे घर बताने के लिए, मैं अब चलती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर कालू को वह गोरी कौवी से कहता है, गोरी, तुमने उस चिड़िया को उस घर में क्यों भेजा? तुम्हें पता है ना वो घर कैसा है और वहाँ कौन रहता है? हाँ कालू जी, मुझे सब पता है, इसीलिए तो मैंने जानबूझकर उसे वहाँ भेजा है। आई बनी हमारे घर में रहने वाली, मुझे ये सब करके बड़ा मजा आता है। अब देखना है कि चिड़िया बचती है या मर जाती है। उधर चिड़िया चलते चलते उस घर को ढूंढ लेती है। फिर वह उस घर के अंदर चली जाती है। उसके पेट में बहुत जोरों की दर्द हो रही। फिर वह वहीं पर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगती है। तभी वहां पर एक चील आ जाता है। अरे ये छोटी चिड़िया, ये यहाँ क्या कर रही है? ये मेरे घर में क्या कर रही है? कैसे आराम से लेटी हुई है? इसे तो मैं अभी बताता हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। कुछ आहट से चिड़िया की आँख खुल जाती है। चिड़िया चील को देखकर बहुत डर जाती है। अरे छोटी चिड़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? ये मेरा घर है, तू इस घर में कैसे आई? तेरी इतनी हिम्मत?
नहीं नहीं चील जी, मैं यहाँ पर बस कुछ समय के लिए रह रही हूँ। बारिश रुकने पर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मेरे पेट में बहुत ज़ोरों की दर्द हो रही थी और बारिश भी ज़ोरों पर थी, इसीलिए मैं थोड़ी देर यहाँ पर आकर रुक गई हूँ। मैं अंडे देने वाली हूँ, लेकिन अगर आप कहें तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। चिड़िया अंडे देने वाली है, ऐसा सुनकर चील के मन में लालच आ जाता है। फिर चील कुछ देर सोचता है, फिर चिड़िया से कहता है, अरे अरे रुको छोटी चिड़िया, इतना भी मैं निर्दयी नहीं हूँ। तुम पेट से हो, इसलिए तुम यहाँ पर रुक सकती हो। तुम अपने अंडे यहीं पर दे देना, फिर जब अंडे बड़े हो जाएं, बच्चे निकल आए, फिर तुम यहाँ से चली जाना। तब तक तुम यहीं रहो, आज से हम दोनों दोस्त हैं। तुम यहीं आराम से रह सकती हो, मैं कोशिश करूँगा तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। एक दिन चिड़िया उस घर से बाहर बैठी हुई थी, फिर उधर से एक उल्लू निकल रहा था। उल्लू चिड़िया को देख लेता है, फिर वह चिड़िया की तरफ आने लगता है। तभी उधर से चील आ जाता है, फिर चील और उल्लू में लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर दोनों में हाथापाई होती है, फिर चील नीचे गिर जाता है और जख्मी हो जाता है। तुम बीच में क्यों आए? मैं इस चिड़िया को खाने वाला था, तुम भला इस चिड़िया को क्यों बचा रहे हो? तुम भी तो आखिर चिड़िया को खाते हो, मुझे मेरा खाना खाने दो और हट जाओ यहाँ से। नहीं, ये मेरी दोस्त है और तुम मेरे दोस्त को नहीं खा सकते, तुम यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अच्छे खासे भोजन को दोस्त बना रहे हो। चिड़िया और चील कभी दोस्त नहीं हो सकते, छोटे पक्षी बड़े पक्षियों के कभी दोस्त नहीं होते। इतना कहकर उल्लू वहाँ से चला जाता है, चिड़िया और चील घर के अंदर चले जाते हैं। फिर चिड़िया चील के जख्मों पर मरहम लगा देती है। फिर कुछ दिन भी आते हैं और चिड़िया अंडे दे देती है। मेरे प्यारे प्यारे अंडे, अब इसमें से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे निकलेंगे। चिड़िया ऐसे ही अंडों से बातें करती है। फिर कुछ देर बाद चील बाहर से आता है तो देखता है कि चिड़िया ने अंडे दे दिए। अरे वाह, अंडे बाहर आ गए, नरम नरम से अंडे, मुझे इन अंडों को खाकर बहुत मजा आएगा। इतने दिनों का इंतजार अब खत्म हुआ, लेकिन इस चिड़िया को मैं बाहर कैसे भेजूं ताकि मैं अंडा खा सकूं? फिर चिड़िया चील से कहती है, चील भैया, क्या आप थोड़ी देर मेरे अंडों की देखभाल कर लेंगे? मैं अपने लिए थोड़ा दाना ले आऊं, इतने दिन हो गए मैं बाहर दाना लेने नहीं जा पाई हूँ। आप इन्हें थोड़ी देर देख ले, मैं वापस आकर इन पर फिर से बैठ जाऊंगी। हाँ हाँ चिड़िया, इसमें भी कोई कहने की बात है क्या? तुम जाओ, मैं यहाँ देख लूंगा तुम्हारे अंडों को। फिर चिड़िया दाना लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। मुझे तो प्यास लग रही है, पहले मैं पानी पीकर आता हूँ, फिर मैं आराम से इन अंडों को खाऊंगा। चील भी पानी पीने चला जाता है। कालू जी, जरा चलकर तो देखते हैं कि चिड़िया वहाँ पर क्या कर रही है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा चील के घर में पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि घर पर तो कोई नहीं है। अरे कालू जी, यहाँ पर तो कोई नहीं है और यहाँ तो अंडे चिड़िया के लग रहा है रखे हुए हैं, लेकिन चिड़िया तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। गोरी कौवी इतना कह रही होती तभी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे कौवी बहन, आपने बहुत अच्छा किया था जो मुझे इस घर का पता बताया, मैं यहाँ पर बहुत आराम से रह रही हूँ और देखो मैंने अंडे भी दे दिए हैं। अच्छा, तुम्हें उस चील ने कुछ कहा नहीं क्या? नहीं नहीं गोरी बहन, वो तो अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, इसीलिए मैं इस घर में आराम से रह पा रही हूँ। मुझे तो अपने लिए एक नया घर भी मिल गया है, अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। फिर चिड़िया अपने अंडों को उठाकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, क्यों ना हम अपने अंडे यहाँ पर लाकर रख दें, हम भी चील से दोस्ती कर लें। अगर चील से दोस्ती कर ली तो सारे जंगल वाले हमसे डरेंगे और हमें कोई कुछ भी नहीं कहेगा।
फिर गोरी अपने अंडे उठाकर चील के घोंसले में रख देती है। फिर वह कालू कौवे से कहती है, कालू जी चलिए हम अपने लिए कुछ खाने के लिए दाना ले आएं। फिर दोनों अंडों को वहीं छोड़कर अपने लिए दाना लेने चले जाते हैं। उनके जाते ही चील वहां पर वापस आ जाता है। चलो अब मैं आराम से इन अंडों को खाऊंगा। चील उन अंडों को खाने ही वाला था तभी उसमें से आवाज आती है। अंडे चिटक कर फूट जाते हैं। फिर उसमें से कौवे के दो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। चिड़िया देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है। अरे इसमें से ये कौवे के बच्चे कैसे निकल आए? इसमें तो चिड़िया के बच्चे होने चाहिए थे। तभी वहाँ पर गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों आ जाते हैं। अरे कौवो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और ये तुम्हारे बच्चे यहाँ कैसे आ गए? यहाँ पर तो चिड़िया का अंडा था। हाँ हाँ चील जी, यहाँ पर चिड़िया ही थी लेकिन चिड़िया अभी कुछ समय पहले ही यहाँ से चली गई। आप चिड़िया के बहुत अच्छे दोस्त थे तो हमने सोचा हम आपसे दोस्ती करेंगे, आप भी हमारे दोस्त बन जाइए। अच्छा मैं तुम दोनों का दोस्त बनूंगा? मैंने तो चिड़िया से दोस्ती सिर्फ उसके अंडों के लिए की थी। तुम दोनों की वजह से मेरा सारा मूड खराब हो गया। अच्छे खासे मैं उन अंडों को खाने वाला था, तुम्हारी वजह से चिड़िया भी चली गई अपने अंडों को लेकर। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर चील कौवा और कौवी को दोनों को पीटता है। कालू जी भागो यहाँ से वरना हम दोनों मर ही जाएंगे। हाँ हाँ गोरी भागो वरना ये चील हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर कौवी और कौवा अपनी जान बचाकर अपने बच्चों को लेकर भाग जाते हैं।